अहम खबर आ रही है सेशन कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। अदालत ने मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही रासिख इलाही समेत दीगर की उबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अरशद, बताइएगा मजीद। जी मारुख, एडिशनल सेशन जज ने मोनिस इलाही की अहलिया समेत तीन मुलजमान की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर जो है वो समाप्त की है। अदालत ने इब्तदाई तौर पर समाप्त करते हुए 1-1 लाख रुपए मुचलकों की एवज अबूरी जमानत जो है वो 14 फरवरी तक के लिए मंजूर कर ली है और FIA को 14 फरवरी को तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने FIA से आइंदा समाप्त पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुलजमान में तहरीम इलाही, रासिख इलाही और जारा इलाही ने जो वो अबूरी जमानत हासिल की है। मुलजमान ने गिरफ्तारी के खौफ से सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत ली है। जी ठीक है, सेशन कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही रासिख इलाही समेत दीगर की उबूरी जमानतों को मंजूर किया गया है। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज उबूरी जमानतें मंजूर की हैं। इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका।